आज मैंने ये तो बनाई है जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से काम करती है। ये सिर्फ एक पेपर से बन सकता है। हाय फ्रेंड्स, आज मैं एक टैंक बनाने वाला हूँ, खेल सकते हो, जो कि ऐसे बच्चों को खेलने में बहुत ही अच्छा लगता है, घूम भी सकता है। तो चलिए इसे बनाते हैं। तो हम इसे ऐसे फोल्ड कर लेंगे। हमें एक पेपर लेके फोल्ड कर लेना है और ये देखिए हमारा एक लाइन बन गया है। और हमें इसे यहाँ तक फोल्ड ले जाना है। हम इसे यहाँ से दबा लें अच्छे से हमें। और फिर अब हम कैची चाहिए और अब हम इसे कट, तो हमें उसके पीस ले लेने हैं और हमें उसमें से एक लेना है। अब हम इसको इधर से फोल्ड कर लेंगे। अब हमें इसे अच्छे से दबा लेना है और अब हम इसके सेम साइज पे से फोल्ड कर लेंगे और ये जो साइड है यहाँ पे ले जाए और इसे अच्छे से दबाए, क्योंकि इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा फोल्ड करना पड़ता है, इसलिए आप अब इसे ऐसे कर लें। अब आप इस वाले हिस्से को वहां तक ले जाना है आपको। अब देखिए, अब ये वाला हिस्सा भी यहां तक ले जाना है। अब हमें ये पलट लेना है इसे। अब हम इसको यहाँ पे फोल्ड कर ले। अब हम इसको यहाँ पे फोल्ड लगा ले, जिससे हम अब हम ऐसे इसको यहाँ तक ले जाएं। अभी थोड़ा अच्छे से कर लेंगे यहाँ पे। हम इसे अच्छे से दबा ले। अब हमें एक ग्लू चाहिए और अब हमें ऐसे खोल लें। अब हमें ग्लू के अंदर वाला ऐसे हम यहाँ पे ग्लू लगा लें अच्छे से। अब हम इसे यहाँ पे फोल्ड कर लें, ग्लू लगाए और अब हम इसे दबा लेंगे। और ये जो हमारा ये है यहाँ पे हम ग्लू लगा लें, जिससे हमारा दब जाए। अब हम इसके नीचे घुसा लें और इसे दबाए अच्छे से और अब हमें ये वाला खोलना है और इसके अंदर भी अच्छे से घुसा ले। इसको भी हम वैसे ही इसके अंदर लगा ले और इसे दबा ले। अब हमें इसका जो है इसे हम साइड कर लेंगे। अब हमें इसका एक हिस्सा लेने हैं दो और अब हमें इसको यहाँ फोल्ड कर लेना है। और अब हमें कैची चाहिए और यहाँ से इसे हम कट कर ले। अब हमें इस साइड से इसे फोल्ड कर लेंगे।
और यहाँ से कट कर लेंगे। दोस्तों अब हमें इसे खोल लेना है और इस वाले को भी खोल लेना है। हमें एक हिस्से को लेना है और इसकी यही है साइज, ऐसे नाप के यहाँ पे हम ले जाएं। और इस वाले को हमें यहाँ ले जाना है। तो अब हम इस वाले को यहाँ ले जाएं। अब हम इसे दबा लें अच्छी तरह से। अब हमें इसे साइड कर लेना है। अब हम दूसरे का भी वैसा सेम बनाएंगे। अब हमें इसको ऐसे फोल्ड कर लेना है। वो जो हमने दो टुकड़े लिए थे वो हमें इसको ये करना है। अब हमें इसका एक ऐसे फोल्ड करना है। अब हम इसे इस तरह फोल्ड कर लेंगे। अब हमें ग्लू चाहिए। अब हम इसे खोल लें। हमें इसको जब ग्लू लगा ले और अब हम ऐसे फोल्ड करना है। अब हमें इस साइड से फोल्ड करना है। अब हम इसे सीधा कर ले और हम इसे ऐसा बना ले। अब हमें इसको चिपका लेना है। तो अब हम इसे अच्छे तरीके से दबा ले। अब हमें इसके साथ इसे भी साइड रख देना है और इन दोनों को भी। अब हमने इस वाले हिस्से को इस साइड फोल्ड कर देना है। अब हम इसे दबा ले। अब हमें यहाँ पे ग्लू की जरूरत है। यहाँ फोल्ड मार ले इसको और इस साइड से भी। अब हमें इसे ऐसे ही कर लेना है। अब हम इसको इधर ऐसे फोल्ड करें। हमें यहाँ पे ग्लू लगाना है। अब हम इसे अच्छे से तरीके से दबा लें। अब हमें एक पेन चाहिए और अब हम इसका सर्कल बना लें। अब हम इसको थोड़ा सा फोल्ड कर लें। अब हमें कैंची से इसको यहाँ से कट कर लेना है। अब हमें इसके साइज का एक छोटी सी डंडी लेनी है और अब हमें इसको फोल्ड करना है। अब हम इसको ऐसे फोल्ड कर ले। अब हमें यहाँ पे
ग्लू लगा लेना है। अब हम इसको भी हम इसको ऐसे फोल्ड कर ले। अब हमें इसको यहाँ से कट कर लेना है, इस साइड से भी हमें इसको कट कर लेना है। अब हम हमारा जो हमारी टैंक होगी उसकी हमने आगे की बुलेट वाली हिस्सा बना लिया है। अब हम सारे पार्ट्स लाएंगे। सबसे पहले तो हमें इस वाले को ऐसे खोल लेंगे। हमें जो पार्ट होगा इसके अंदर यहाँ पे जो आपको दिख रहा है इसको हम यहाँ से धक्का देके इसका टैंक का वो बना ले। अब हमें ऐसे कर लेना है। अब हमें इस साइड से भी इसको ऐसे धक्का देना है और इधर से इस साइड से अब हमें वापस वैसे ही बना लेना है। अब हम ऐसा बना ले। अब हमें एक ऐसा वाला चाहिए जो कि हमारे पे यहाँ दो दो थे तो हम उसमें से एक ले। और अब हमें उसके पीछे यहाँ पे ग्लू लगा लेना है। अब हमें इसे लेना है और इसके ऊपर चिपका देना है। अब हम इसको ऐसे रखना है और अब हमें इसके पीछे वाले साइड से हमें इसमें ग्लू लगा देना है। और हमें एक जो हमने ये डंडी बनाई थी उसके लिए हम ऐसे कर ले। और अभी के लिए जो हमने इसमें से थोड़ा सा बचा था उसे लेंगे। और अब हमें इसमें से थोड़ा सा कट कर लेना है और वहाँ पे ग्लू लगा देंगे। और अब हमें यहाँ पे थोड़ा सा इसको खोल के यहाँ पे इसे दबा देना है। अब हमें एक डंडी ले लेनी है और अब हम यहाँ पे इसे ले और थोड़ा इसे ऐसे करें। और अब हमें इसका सर्कल ले लेना है एक। और सर्कल ले लेने के बाद हमें इस यहाँ पे आके यहाँ पे ग्लू लगाना है। अब यहाँ पे हम सर्कल पे ऐसे कर ले। और अब हमें ये डंडल निकाल लेनी है, उस पे हम एक और फोल्ड चढ़ा ले। और अब हमें इसको ऐसे कर लेना है। अब हमारा इतना बन गया है। तो अब हमें एक ऐसा लेना है और एक इस तरह का ले लेना है। और अब हमें इसकी साइज नाप लेनी है कितनी है। यहाँ से हम इसके यहाँ से कट कर ले। हमें इसे साइड करना है। अब हम यहाँ पे ग्लू लगाए। अब हमें इसके यहाँ पे इसे लगाना है। अब हमें ऐसा जो हमने जिसमें से अभी कट किया था वैसे ही वापस इसका एक उसके ही नीचे से बनाए और यहाँ पे ग्लू लगा ले। और अब हमें यहाँ से फोल्ड करना है। अब हम यहाँ पे ग्लू लगा ले और फिर हम इसे दबा ले।
अब हमें इस साइड से भी इसकी हाइट नापनी है और यहाँ से इसको वापस कट कर लेना है। अब हमें इसको साइड करना है। अब हम इसमें यहाँ से ग्लू लगा लें और इस साइड से भी इसको अपने तरफ ऐसे लगा लें, इस साइड से भी ये लग जाए। तो अब आपको इधर से भी बनाना है तो आप इसको ऐसे फोल्ड कर लें। अब हमें यहाँ पे ग्लू लगा लेना है। अब हम इसे दबा लें, हमें यहाँ से फोल्ड कर लेंगे और यहाँ से फोल्ड की हुई जगह से हमें ग्लू लगा देना है और यहाँ पे टैंक को ऐसे कर देना है। हम नीचे से बची हुई जगह में हम यहाँ पे ग्लू लगाए और इसके यहाँ लगा दें जिससे हमारी सारी साइड्स के वो बन जाए। अब हमें इस पे एक हमें वो जो हमने टैंक का आगे वाला लिया था और जो हमारे पास इसका पार्ट बचा था, अब इसका हमें एक ऐसे थोड़ा सा टुकड़ा लेना है। अब हमें यहाँ पे थोड़ा सा ग्लू लगाना है और अब हमें इसको यहाँ पे ऐसे लगा देना है। अब हम इसको यहाँ पे ग्लू लगा दें। अब हम इसे यहाँ पे लगा दें हिसाब से। अब हमें ये जो हमने इसका फोल्ड बनाया था इसको हम यहाँ पे अच्छे से ग्लू से चिपका लें। अब हमें इसके यहाँ से ऐसे फोल्ड करना है, इस साइड से भी उसके बराबर में फोल्ड कर लेना है हमें और इसके थोड़ा थोड़ा आगे लेके आना है हमें और इसके साइज का नाप के अब हमें इसको ऐसे फोल्ड करना है और इस वाले को भी निकाल के यही साइड से इसे इस तरफ फोल्ड कर लेना है और हम इसे ऐसे खोल लें। ये जो हमारा था इसके अंदर हम ऐसे खोल लें और इसके अंदर घुमाएं और इस वाले हिस्से को भी हम खोल लें इस साइड से। अब हम इसको खोल लें और अब हमें इस साइड से भी खोल लेना है और थोड़ा इस साइड से भी हम खोलने से और इस साइड और अब हमें इस साइड से इसको घुसाना है और अब हम इसे एक बार देख ले कि ये ऐसे घूम रहा है कि नहीं। और घूमने लगेगा तो हम यहाँ पे एक ग्लू लगा लें और हमें इसको यहाँ पे लगा देना है। हम यहाँ पे भी ग्लू लगा कर चिपका देना है और अगर ये घूमने लगता है यहाँ पे अच्छे तरीके से तो आप इसे ऐसे ही रहने दें और फिर अब हम आपको अब कुछ नहीं करना है ज़्यादा। अब हम इसको ऐसे यहाँ से घूमने लगाए तो अब हम इसको ऐसे फोल्ड कर दें। अब हमें इसके अंदर अंदर घुसा दें अच्छे से और फोल्ड होने लगा है तो अब हम इसे ऐसे कर दें। अब हमारे पास जो ऐसा एक और था उसे लेना है और उसके अंदर हमें ऐसे है तो अब हम इसके थोड़े से पीछे से ऐसे से दबा लेना है और हमारा जो ये वाला साइड है इस पर हमें दबा के ऐसे ग्लू से यहाँ पे लगाना है और ग्लू के बाद हम यहाँ पे लगा दें और अब हम इसको यहाँ से ले जाए और इसे यहाँ पे दबा दें अच्छे से। अब हमें आगे क्या करना है कि अब हमें यहाँ यहाँ पे ग्लू लगा दें, यहाँ यहाँ पे भी ग्लू लगाए। अब हमें ये जो हमने बनाया था अभी इसको यहाँ पे लगा देना है हमें और फिर हमें
अभी ऐसे करना है, अच्छे से हम इसे दबा लें और बारी इसके टायर्स की जो हमने अभी ऐसे किया था वो ऐसे जब हम बना रहे थे तब ये वैसा हो गया, इसलिए अब हम वापस से इसको ऐसे करें और ये अच्छे से जब ऐसे बन जाएगा तो आप देख सकते हैं, अब आप देख सकते हैं कैसे हमारे पास दो दो टाइप के घूमने वाले बन गए हैं। तो आपको वो कैसा लगा वीडियो, मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।